लोगों को लगता है एक अच्छे डॉक्टर बनने के लिए MBBS डिग्री चाहिए, पर मैं आज एक ऐसे कोर्स के बारे में बता रहा हूँ जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे डॉक्टर के साथ एक अच्छे रेस्पॉन्सिबल रेस्पेक्टेड डॉक्टर बन सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ BHMS के बारे में, जो है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये थर्ड पॉपुलर मेडिसिन सिस्टम है इंडिया में आफ्टर एलोपैथी मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो आप बात करते हैं BHMS के कोर्स के बारे में। ये एक 5.5 ईयर्स का कोर्स है जिसमें 4.5 ईयर्स एकेडमिक्स रहता है, यानी कि प्रैक्टिकल क्लास होगा, क्लिनिकल क्लास होगा और अब इसमें थ्योरी क्लास भी होगा, और उसके बाद एक ईयर का इंटर्नशिप होता है जिसमें आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। अगर इसका मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँ तो आपको 10+2 में यानी कि 12th में PCB के साथ मिनिमम परसेंटेज ऑफ 50 मार्क्स होना चाहिए। और अगर जब आप एडमिशन लेना चाहोगे किसी कॉलेज में, जैसे आसाम में कुछ कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहोगे तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसका नाम है नीट। आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा और नीट में क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाई करने के बाद आपको एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसका नाम है काउंसिलिंग प्रोसेस। तो मैं अगले वीडियो में आपके काउंसिलिंग के बारे में सब कुछ बता दूंगा, कैसे होता है, क्या होता है। आसाम में 3 कॉलेज है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। पहला है डॉक्टर जीवागंता शोइकिया होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो है जोरहाट में। दूसरा है शहीद जादवनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो स्टैब्लिश है गुवाहाटी पे। और तीसरा नंबर पे आता है आसाम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो है नोएडा में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक मार दीजिए।